हेलो दोस्तों, मेरे चैनल जैनसुदा ऑफिशियल ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज बनाएंगे हम टेस्टी टेस्टी मूंग दाल मखनी। बहुत ही टेस्टी लगती है, एक बहुत हेल्दी होती है, एक वेट लॉस रेसिपी भी है। आज मैंने रात को दाल भिगा ली थी और ये देखिए सोख हो गई है बिल्कुल। तो आज बनाएंगे हम मूंग की दाल सही अंदाज में। जैसे कि दाल मखनी बनती है, ऐसे ही मूंग मखनी मूंग दाल की मखनी दाल बनाएंगे। और बहुत टेस्टी लगती है और बहुत ही हेल्दी रहती है अगर आप इसे घर में बनाते हो। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें पानी लगा के सीटी लगा लेंगे। तो मैं इसमें पानी डाल दूंगी अंदाजे से, तीन गिलास डाल देंगे। थोड़ा पानी और डाल देंगे, हल्दी और नमक ऐड कर देंगे साथ के साथ। दो सीटी आने देंगे क्योंकि मूंग की दाल बहुत जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पे दाल में हमारे उबाल आ गया था, तो इस तरीके से हमने मूंग की दाल उबाल लिया साबुत वाली। तो तीन सीटी लगाई थी और उसके बाद मैं यहाँ पे ले लूँगी चार प्याज, लहसुन, मिर्च, अदरक और टमाटर, इनका पेस्ट बना लेंगे। तो ऑयल डाल देंगे हम, आप इसे बटर में भी बना सकते हो, ऑयल में भी बना सकते हो। यहाँ पे मैंने अदरक का और लहसुन और प्याज का पेस्ट बना लिया है। तेल को गर्म होने देंगे, ऑयल मेरा गर्म हो गया था तो मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। जीरे के बाद हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का। और यकीन मानिए, अगर आप इस दाल को बनाते हो तो बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसे चावलों के साथ बनाइए, चपाती के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। सारे मसालों को भून लेंगे हम 2 से 3 मिनट के लिए। गैस के फ्लेम को मैंने थोड़ा लो कर दिया है। मसाले हमारे भुनने लगे हैं तो अब हम एक चम्मच की सहायता से सारे मसालों को भून लेंगे। लगातार हिलाते रहेंगे नहीं तो कढ़ाई में लगने का डर रहता है। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया था, इसको भी भून लेंगे हम 3 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद 2 से 3 मिनट हो गए थे तो अब देखिए हमारे जो टमाटर और हमारा जो पेस्ट था वो बिल्कुल रेडी यूज़ हो गया है तेल इसमें से। तो इसमें से मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया, हल्दी तो हमने पहले ही डाल दी थी, तो अब इसमें धनिया पाउडर डाल दिया, नमक भी पहले ही डाल दिया था। तो अब इसमें दो चीज़ें ऐड की है, गर्म मसाला ऐड अभी नहीं किया है, बाद में करूँगी। तो आप मनचाहे मसाले डाल सकते हो इसमें, दाल मखनी मसाला भी डाल सकते हो। तो ये देखिए कितना टेस्टी मसाला बना है हमारा, भुन के तैयार हो गया है। तो मैंने इसमें जार को धो के थोड़ा सा पानी डाल दिया है, उसके बाद थोड़ा सा फिर हिला लेंगे। और बच्चे मूंग की दाल खाते नहीं है, अगर आप इस तरीके से मखनी दाल बना के उनको बच्चों को खिलाओगे अपने तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। कभी भी पता नहीं चलेगा कि दाल मखनी है या हम उड़द वाली दाल मखनी खा रहे हैं। तो ये मूंग की दाल मखनी बहुत टेस्टी बनती है। अब डाल दिया मैंने इसमें दाल, साबुत मूंग दाल है ये, और बिल्कुल टेस्ट वही लगता है जिस तरीके से आप दाल मखनी खाते हो। मूंग दाल मखनी भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो सारे मसालों को मिला लेंगे और इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छी तरीके से दाल में चले जाएं। इसी तरीके से मिलाने हमें, और ये देखिए पकनी शुरू हो गई है दाल। जितना आप पकाओगे उतनी टेस्टी दाल बनती है। थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है क्योंकि गाढ़ी हो गई थी। आप इसे थोड़ा सा थीक ही रखें क्योंकि थीक दाल अच्छी लगती है, ये जो मखनी दाल होती है। फिर से पका लेंगे इसको 2 से 3 मिनट के लिए। फिर इसमें लगा दिया मैंने हरा धनिया और इसी तरीके से हमें बनानी है। उसके बाद मैंने इसमें घर की फ्रेश मलाई डाल दिया। फ्रेश मलाई से बहुत ही क्रीमी और टेस्टी दाल लगती है, आप खाते रह जाओगे, होटल और रेस्टोरेंट से लाना भूल जाओगे घर में अगर ये वाली दाल मखनी बनाओगे आप। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब।